हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में लोहागढ़ शहर से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया। तो आज का दिन भी शुरू हो गया है, अभी 12:30 हुआ है और मौसम देखिए किस टाइप का हो रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए बने रहें, आप दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। आप तो हो चुके हैं हम रेडी और आज हमारी तैयारी हो रही है पार्टी में जाने की। रिसेप्शन है शादी का, तो वहीं जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है वहाँ को। तो दोस्तों पहुँच गए हैं GIC ग्राउंड में। लोहाघाट का GIC ग्राउंड है ये सबसे बड़ा, देख सकते हैं आप। पहले भी मैंने कई बार आपको वीडियोज में दिखाया हुआ है, यहाँ चल रही है रिसेप्शन पार्टी। तो चलिए चलते हैं अंदर को, आपको भी दिखाते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट में फोटोएं लगी हुई हैं दूल्हा दुल्हन की और परिवारजनों की, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ, देख सकते हैं आप, और कार्यक्रम भी चल रहे हैं। म्यूजिक कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग नहीं चला सकते, तो ऐसे ही देख के आनंद लीजिए आप। और स्टेज में है दूल्हा दुल्हन, दिखाते हैं आपको। कि हम शादीशुदा हैं, गौर से सुन लो कुंवारे। हाँ, यहाँ कोई कुंवारा नहीं है, मुझे पता है। आज मेरे घर में जो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह प्यार से मुझे आशीर्वाद मिला और आपने मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा समझकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आज यहाँ आए हुए सभी आगंतुकों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से मुझे अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते रहेंगे और मैं आपके इसी प्रकार दर्शन करता रहूँगा। बड़े खुशी की बात है, मैं तो सोच रहा था सुबह मौसम खराब था, शायद बारिश कहीं प्रोग्राम को गड़बड़ न करा दे, परंतु आप लोगों के सच्चे प्यार ने बता दिया, आप लोगों के सच्चे प्यार ने बता दिया कि भैया बारिश आए आधी आए हमारा प्यार कम नहीं होगा। घंटा आधा घंटा जितना भी यहाँ प्रोग्राम होता है इसमें आनंद लीजिए और किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो सीधे मेरे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपके लिए इतना ही कहूंगी, बस दो लाइनें सुनते जाइए कि आप निकले थे अंधेरों में उजालों की तरह, आप निकले थे अंधेरों में उजालों की तरह, ढूंढने वाले निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह, क्योंकि अगर ढूंढा होता तो
हमारे विधायक सर जैसा हीरा, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया घूमती हो कि जो अपने गांव, अपने कस्बे, अपने विलेज के लोगों को इतना प्यार देता हो कि जिसके लिए ना उसने ऊंचा नीचा, परिवार वाला, करीब वाला, दूर वाला, इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। एक एक शख्स को वही प्यार, वही सम्मान, वही इज्जत, वही भोजन दिया जो उसने अपने परिवार के लिए रखा। ये वाकई सर काबिले तारीफ बात है और ऐसे लोग वाकई बहुत कम मिलते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि जब तक आप जैसे लोग हमारे समाज में मौजूद रहेंगे, तब तक मुझे लगता है कि समाज का कोई भी पेट भूखा नहीं चलेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विधायक सर के लिए। तो मैं सबको सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि अब आपने दिखा दिया, बीच में किन्हीं कारणवश में आपके मध्य नहीं भी आ पाया तो आपने जता दिया कि हम पे अब रोष नहीं है। और मैं भी दिल से कहना चाहता हूँ, मैंने हल्द्वानी में जो कार्यक्रम किया इससे अच्छा गुना ज्यादा था, अच्छा गुना, पर वहाँ वो प्यार नहीं मिला जब ठुमके आपके लगे, जब हंसी आपकी मिली। मैं आपके इस हंसी का कायल हूँ, इस खुशी का कायल हूँ। मैं सभी माताओं से, बहनों से, प्यारे साथियों से निवेदन करूंगा कि आपने बहुत, जो मैंने सोचा ही नहीं था उससे ज्यादा प्यार मुझे दिया। भगवान आपको खूब सुख समृद्धि दे, खूब आगे बढ़े, खूब एकता के रूप में चले। अब एक कुछ दिनों के बाद मैंने प्रोग्राम तय कर लिया कि मैं प्रत्येक ग्राम सभा में जाऊंगा, जिन जिन ग्राम सभाओं में जो मेरे लायक की सेवा होगी उस सेवा को आपके गाँव में, आपके मध्य में आकर, आपके मध्य में आकर उन समाधानों का निराकरण करने की कोशिश करूंगा जो मेरे बस का हुआ, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ उसके बावजूद आपका शेर हूँ। बिल्कुल आप ये नहीं सोचें, आप ये नहीं सोचें, जब आपने मुझे अपना दिल दे दिया, मेरी जिंदगी भी जाए परवाह नहीं, पर आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपके घर में आने का काम करूंगा। ज्यादा नहीं कहते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। सबको घर के काम भी करने हैं, सभी लोगों से प्रणाम करते हुए निवेदन है कि अब घर को जाते हुए, सब नमन करते हुए घर को जाएंगे। आप भी जल्दी से जल्दी ऐसा प्रोग्राम फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। मेरा जो मानना है कि भीड़ हमेशा भेड़ियों के झुंड में रहती है, शेर अकेला ही रहता है विपक्ष में, क्योंकि विपक्ष में जब तक शेर ना हो तो भेड़ियों के झुंड का पता कैसे चलेगा। आज देश को जो भेड़िया खा रहे हैं ना, वहां पे ऐसे ही शेरों की जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक खास चेहरा हमारे पूरे देश के लिए ऐसा शेर निकल के आए कि जहां जितने भी झुंड है ना वो सब दुम दबा के भागते नजर आए। तो सबसे पहले सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगी सर, कि आपने हमें, हमारी पूरी टीम को इतनी दूर से यहाँ पे बुलाया, हमें मान सम्मान इज्जत दी। वायरस एंटरटेनमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इनको बुलाया, इन्होंने हमें बुलाया, और ये पूरा प्रोग्राम को, हर एक इंसान को खुश रखने की सर ने और हमारी टीम ने पूरी कोशिश की, और उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। खुश है ना? तो मैं सर की तरफ से सभी को यही सर बस एक छोटी सी गुजारिश है, एक बच्ची है हमारे बीच, प्लीज बाबू। ये सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इन्होंने शुरुआत की थी और मैंने वादा किया था कि जो भी बच्चा सबसे अच्छा डांस करेगा उसको मैं विधायक सर से एक छोटा सा गिफ्ट दिलवाऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप इस बच्चे को एक छोटा सा गिफ्ट दें, ताकि क्या बात है, क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए विधायक सर और बच्चे दोनों के लिए। ये आपको अपनी सारी फ्रेंड्स में बांटना है, ठीक है? पक्का? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबसे यही कहते हुए सर की तरफ से, मेरी तरफ से, कि भूल से भी कोई भूल हुई हो तो भूल को भुला देना, भूल को भुलाना, मगर हमें ना भुलाना। तो वेल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते किसी और मोड़, किसी और महफिल को इसी तरह से खूबसूरत और खुशनुमा बनाते हुए। तब तक के लिए सभी से विदा। प्लीज अभी आप सब लोग घर जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। बहुत आप लोगों ने एंजॉय कराया, हम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।